नॉर्मल तरीके से ग्रो करने लगे, फास्ट ग्रो करने लगे, तो इसको हम कैंसर का नाम देते हैं। अपने आस पास के सेल्स को अगर वो इन्वेड करने लगे तो वो मोटे मोटे तौर पे कैंसर होता है। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं, हालांकि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेडिकल लिटरेचर उतना आप लोगों को भी समझ में नहीं आ पाएगा, तो एक्सपर्टाइज को वो आपको काफ़ी डिटेल में अंदर स्लाइड से आपको बता देंगे। मेन तौर पे कार्सिनोमा होता है जो कि ब्लड के थ्रू फैलता है, सार्कोमा होता है जो कि लिम्फेटिक्स के थ्रू फैलता है। लिम्फेटिक्स एक चीज़ होती है, जैसे हमारा बॉडी में जहाँ से ब्लड आता है, जैसे हम जहाँ से ब्लड निकालते हैं, तो एक पॉइंट होता है कि जहाँ से ब्लड एक्सक्रीट भी होता है, जैसे हम पानी पीते हैं फिर यूरिन जाते हैं, तो जहाँ से बॉडी के ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन मिलता है, तो एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ से वो न्यूट्रिशन जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर भी आते हैं, तो उसको हम वीनस ब्लड बोलते हैं। उसका 1% लिम्फेटिक्स में आता है, बॉडी में सारी लिम्फेटिक चैनल्स की ग्रोथ रहती है, तो उससे जो कैंसर स्प्रेड होता है उसको हम सार्कोमा बोलते हैं। और लिम्फेटिक ग्रोथ से